गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। चलिए निकालिए अपनी हिंदी की बुक, निकालिए नामी का। कल इसमें आपने क्या पढ़ा था? ई की मात्रा वाले शब्द। क्या था? ई की मात्रा वाले शब्द। पार्ट कौन सा था हमारा? यही था ना? तो अभी वापस से पढ़ लेंगे क्या है क्या नहीं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो लिखे मालिश। क्या है ये? परिवार श्रीमान डाकिया। क्या है? बहुत से जगह सर डाकिया हिसाब लाश। ठीक है, क्या है? घी लाश तीन का तिनका। ठीक है, की दर किधर वी शाल विशाल हिरन 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 के बाद में शान किसान की ताब किताब। ठीक है, ठीक है, किरण हो गया, किताब हो गया, अब चिड़ी या चिड़िया। ठीक है, मी लाभ मिला होगा, मिला। ठीक है, फिर कभी छवि। ये क्या हो गया? मालिश मालिश परिवार परिवार विमान विमान डाकिया डाकिया हिसाब हिसाब गिलास गिलास तिनका किधर किधर विशाल विशाल हिरण हिरण किसान किसान किताब किताब किला किला किरण किरण
चिड़िया चिड़िया मिला तो मिला, कभी कभी छवि छवि, रवि रवि, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप बनाना चाहो वैसे बन जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पढ़िए और सुनाइए। हिरण बच गया, ये मैंने आपको कल भी पढ़ के बताया था, आज फिर वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक हिरण था, क्या था, एक हिरण था, वह दिन भर इधर उधर भागता रहता था, हिरण नरम नरम घास खाता, एक दिन वह घास खा रहा था। ठीक है, विशाल उधर आ निकला, विशाल कौन था, एक बच्चे का नाम था। ठीक है, तो वो उधर आ गया जहाँ हिरण था, विशाल हिरण पकड़ना चाहता था, हिरण डर कर छिप गया, हिरण जो था डर कर छिप गया। विशाल कहता रहा, किधर गया, वह हिरण पर हिरण ना मिला, वो जो हिरण था वो नहीं मिला, किसको, विशाल को। जब विशाल चला गया तब हिरण बाहर निकल आया या निकल गया, जब हिरण बाहर निकला अब वह बच गया, वो सोचा अब मैं बच गया, वो गया। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, पढ़कर बताइए, क्या कह रहा है, ये जो दे रखे नीचे इनको पढ़कर बताना है, क्या कहना है, यहाँ पे पढ़कर बताना है, जैसे कि तिनका गिलास गिलास, विमान विमान, डाकिया मालिश मालिश, हिसाब परिवार। ठीक है, पेज पलट लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मैं बताऊंगी, आपको अपने घर से ही करना है, तो यहाँ एल डब्ल्यू डाल लीजिए। ठीक है, ये हमने डाला एल डब्ल्यू, आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये खा वाला कह रहा है, दिए गए चित्र के सही नाम पर सही टिक का निशान लगाइए। ठीक है, जो सही नाम है वहां पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, जैसे कि यहाँ किताब है, बुक है, किताब। ठीक है, तो इसमें देखिए कि बता कि बता, कतिबा कतिबा, फिर किताब किताब, जो यहाँ पे आपको तीनों में से सही लग रहा है वहां पे आप टिक का निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, ये क्या है, हिरण, हिरण है ना, तो यहाँ क्या लिखा, हरण हरिण हिरण, तो जहां आपको लग रहा है वो सही है वहां बेझिझक निशान लगा दीजिए। फिर इधर देखिए, ये क्या है, गिलास पानी का। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या लिखा है, गलीसा गिलास गलास, तीनों है जिसमें दो गलत है एक सही है, ये कौन वहां से है, किसान जो खेतों में काम करते हैं, कसी किनास किसान, तो किसान पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, गवला चित्र की सहायता से शब्द बनाइए, क्या कह रहा है, चित्र की सहायता से शब्द बनाइए, जैसे चित्र बना है, ये सितार का चित्र है, तो यहाँ स लिखेंगे ई की मात्रा लगा के सितार। ठीक है, ये क्या है, चिड़िया
तो च पे ई की मात्रा आ रही है चीड़ी, या लिखेंगे पीछे या। फिर यह नारियल, तो ना री ई की मात्रा, य ल पे क्या ता की या ता की पे की मात्रा और या पे या ओके देता। तो अभी हमको क्या करना है, से एच डब्ल्यू में ये तो हमें एच डब्ल्यू में करना ही है अपने नोटबुक में, ठीक है। इन नोट, ठीक है, ये नोटबुक का नाम है। और इधर देखिए ये क्या कह रहा है, डू पेज नंबर 16 एक, और 16 में कहा था ख वाला और ग वाला, ठीक है। इन बुक, ठीक है, ये करना है। और घ वाला कल करवाया जाएगा आपको। और आपकी मात्रा के शब्द याद कीजिए, क्या है शब्द याद कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एच डब्ल्यू है। ओके, ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। चलिए, टेक केयर, ओके बाय।